न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। आप सभी को दिवाली मुबारक। आज सारे सुखन हमारे में बात रोशनी की, उजाले की, उस उजाले की जिससे दिल रोशन है, उस उजाले की भी जिसके साये में अंधेरे पल रहे हैं, उन सितारों की, उन चरागों की जो जगमगा रहे हैं, उन दीपों की जो जले ही नहीं, उन शम्मा की जिन्हें बुझा दिया गया। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। एक दीपक जला दिया हमने, अपना मकसद बता दिया हमने। अब देखिए इसी के आगे अशोक रावत कहते हैं, बात जब भी उठी उसूलों की हाथ ऊपर उठा दिया हमने। क्या बात, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। ये जो नस्लें अंधेरों में पलती हैं, अब इनके आबाओ अजदाद ऐसे ना थे। आबाओ अजदाद यानी पूर्वज, पुरखे। ये जो नस्लें अंधेरों में पलती हैं, अब इनके आबाओ अजदाद ऐसे ना थे। वो तो सूरज की किरणें लिए हाथ में रोशनी बांटते बांटते मर गए। दीपावली का त्योहार है, दीपोत्सव है, और वक्त है मिलजुल कर खुशियां मनाने का। बेशक हफीज बनारसी का शेर देखिए, के सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। क्या बात। लेकिन खुशियां मनाने के साथ साथ दुष्यंत कुमार की तरह ही हुक्मरां से सवाल पूछने का भी यही समय है। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। और इन दिनों ये चमचमाती जगमगाती सड़कें इमारतें देखकर धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये रोशनी भी एक पर्दा है, 100 अंधेरे छिपे हुए हैं इसमें। ये रोशनी भी एक पर्दा है, 100 अंधेरे छिपे हुए इसमें। क्या, और असल हालात तो ये है कि ओम प्रकाश नदीम को भी कहना पड़ता है कि अंधेरा बढ़ रहा है और दिया खामोश है, हद है। अंधेरा बढ़ रहा है और दिया खामोश है, हद है। सितम के खौफ से सच की सदा खामोश है, हद है। मेरे पीछे मेरा दुश्मन खड़ा है वार करने को, मगर मुझसे मुखातिब आई ना, खामोश है, हद है। निश्तर खान का ही कसेट देखिए इसी सिलसिले में, कि आप अपनी जात के शोलों में जल जाते थे लोग, आप अपनी जात के शोलों में जल जाते थे लोग, क्या अंधेरा था कि जिससे रोशनी पाते थे लोग। इसीलिए गोपाल दास नीरज ने कहा है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। दिवाली के मौके पर जनता के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों और राजनीतिक कैदियों को याद कर फैज याद आते हैं। हम सबके जहन में चमकते हैं फैज। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज, फकत चंद ही रोज, और इसी तरह से फिराक की याद भी आ ही जाती है। कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा
कुछ हसरते परवाज की बातें करो। बात रोशनी की है तो जैसा मणिमोहन ने कहा है, जान लीजिए कि इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है जिसने चाक पर गीली मिट्टी रख कर आकार दिया है इस दिए को। और इस रोशनी में थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है जिसने उगाया है कपास तुम्हारी बाती के लिए, थोड़ा सा हिस्सा उसका भी जिसके पसीने से बना है तेल। इसी कड़ी में प्रेम शंकर शुक्ल कहते हैं, बड़े शहर के चौराहे पर, बड़े शहर के चौराहे पर दिए बेचती औरत दिए की पकी मिट्टी की तरह, ध्यान दीजिए, दिए की पकी मिट्टी की तरह खनकती आवाज में, हर घर में उजाला के लिए असीसती है दियों को, और अपनी बिटिया के हाथ घर के लिए चार दिए पकड़ाकर ऐसे भेजती है जैसे कह रही हो जा बिटिया, जैसे कह रही हो जा बिटिया, चारों दिशाओं की देहरी पर रख इन दियों को जला आना, दिए जलने से माटी के मन को, दिए जलने से माटी के मन को अंधेरा नहीं दबाता है। और बात दीपोत्सव की चल रही है तो इसी कड़ी के पहले त्योहार धनतेरस की भी कुछ बात कर लेते हैं। अरुण कमल की कविता है कि आज धनतेरस है, आज धनतेरस है, नए नए बर्तन खरीदने का दिन, और आज ही हम अपने आखिरी बर्तन लिए घूम रहे हैं दुकान दुकान, आखिरी बर्तन, और आज ही हम अपने आखिरी बर्तन लिए घूम रहे हैं दुकान दुकान, आने का सवाल क्या, जो कुछ पास था सब जा रहा है। आने का सवाल क्या, आने का सवाल क्या, जो कुछ पास था सब जा रहा है, देखो वे कितनी बेरहमी से थकुच रहे हैं हमारे पुराने बर्तन, और सजा रहे हैं एक पर एक अपने नए बर्तन, अपने नए बर्तन। फिर लौटते हैं दिया बाती की तरफ। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, है कहां वह आग जो मुझको जलाए, है कहां वह ज्वाल पास मेरे आए, रागनी तुम आज दीपक राग गाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। अब देखिए केदारनाथ अपनी कविता में कहते हैं, जाना फिर जाना, जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता है, पर पहले अपना यह आंगन कुछ कहता है, उस उड़ते आंचल से गुड़हल की डाल बार बार उलझ जाती है, एक दिया वहां भी जलाना, एक दिया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहें विवश छीन लेता है, एक दिया उस चौखट पर, एक दिया उस चौखट पर, एक दिया उस ताखे और एक दिया उस बरगद के तले जलाना, जाना फिर जाना। और महादेवी वर्मा कहती हैं, सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं, क्षितिज कारा तोड़कर अब गा उठी उन्मत आंधी, अब घटाओं में न रुकती लाश तन्मय तड़ित बांधी, धूली की इस वीण पर मैं तार हर त्रिन का मिला लूं, आज दिया जला लूं। अब तरी पतवार लाकर तुम दिखा मत पार देना, अब तरी पतवार लाकर तुम दिखा मत पार देना, आज गर्जन में मुझे बस, आज गर्जन में मुझे बस एक बार पुकार लेना, ज्वार को तरणी बना मैं इस प्रलय को पार लूं, आज दीपक राग गालूं, आज दीपक राग गालूं। और बात किसी त्योहार की हो और बात हमारे नजीर अकबराबादी की ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने होली हो, ईद, दिवाली, सब पर गीत, गजलें, सारे रंगों पर, जी हर त्योहार हर रंग पर, दिवाली पर वे कहते हैं कि हर एक मकामे जला फिर दिया दिवाली का, हर एक मकामे फिर जला दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भाग गया दिवाली का,
किसी के दिल को मजा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। अब पर ये भी है कि जहां में यारो अजब तरह का है ये त्योहार, जहां में यानी दुनिया में, जहां में यारो अजब तरह का है ये त्योहार, किसी ने नकद लिया हो कोई करे उधार। इस त्योहार जब हम प्यार और मोहब्बत के दिए और मोमबत्तियां जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, तो ऐसे में इकबाल ने जो बच्चों पर लिखी कविता है, बच्चों की जो दुआ है, वह याद आती है। जिस तरह से जो नफरती सांप्रदायिकता है उससे घिरे लोग हैं, शायद इसीलिए इस दुआ को वह बिल्कुल पसंद नहीं करते। आइए देखते हैं ये। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मौका खुशी का है, रोशनी का है, लेकिन ये भी हकीकत है कि न जाने कितने गरीब मजदूर और बेरोजगार नौजवान आज जमील मजहरी की शब्दों में कह रहे होंगे, होने दो चरागा महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। और इसी हालात को देखते हुए कैफी चरागा करते हुए पूछते हैं कि एक दो ही नहीं 26 दिए एक एक करके जलाए मैंने, एक दिया नाम का आजादी के, उसने जलते हुए होठों से कहा, एक दिया नाम का आजादी के, उसने जलते हुए होठों से कहा, चाहे जिस मुल्क से गेहूं मांगो, हाथ फैलाने की आजादी। बहुत खूब। और आगे कहते हैं, एक दिया नाम का खुशहाली के, एक दिया नाम का खुशहाली के, उसके जलते ही ये मालूम हुआ कितनी बदहाली है, पेट खाली है, मेरा जेब भी खाली है। एक दिया नाम का एक जहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, काम को लड़ते झगड़ते देखा, एक दिया नाम के एकजहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, काम को लड़ते झगड़ते देखा, माँ के आंचल में है जितने पेवन, सबको एक साथ उधड़ते देखा। दूर से बीवी ने झल्ला के कहा, तेल महंगा भी है मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं, अपने घर में ना झरोखा ना मुंडेर, ताक सपनों के सजा रखे हैं। क्या बात है, ताक सपनों के सजा रखे हैं। और आया गुस्से का एक ऐसा झोंका, बुझ गए सारे दिए, हाँ मगर एक दिया नाम है जिसका उम्मीद, झिलमिलाता ही चला गया। हिंद की खाबीदा किस्मत को जगाना चाहिए, हिंद की खाबीदा किस्मत को जगाना चाहिए, शौक से फिर तुझको दिवाली मनाना चाहिए। ये शातिर हकीमी है जी भाषा। इसलिए हबीब जालिब के शब्दों में, दीप जिसका महलात में ही जले, दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता। इसीलिए तो शायर ये अपील करते हैं कि कठिन है रहा गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। और आखिर में तारिक बदायूनी की तरह यही कहेंगे कि एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, माहौल बनाए रखिए, एक बार फिर रोशनी का त्योहार मुबारक। और चलते चलते आपको बता दें कि सारे सुखन हमारे के
सिलसिले को हम आज फिलहाल यहीं रोक रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। कुछ दिन साहित्य से चलेंगे राजनीति की तरफ, क्योंकि आपको मालूम है कि दो राज्य गुजरात और हिमाचल में चुनाव है। तो चुनाव में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चुनाव चक्र। चुनाव के बाद फिर एक बार सारे सुखन की तरफ लौटेंगे। हाँ, इस बीच आप हमारा इसी तरह साथ देते रहिए। और आपको मालूम ही है कि आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है, खबरों पर पहरा है, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम को बचाए रखना है। और आप तो जानते ही हैं कि न्यूज क्लिक आपके लिए लाता है मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं से जुड़ी जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वे खबरें जिनके बारे में मुख्य धारा में ना कोई चर्चा होती है ना कोई जगह मिलती है। और हम ना केवल राजनीति बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी के बारे में भी और साहित्य से जुड़ी खबरों के बारे में भी उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। ऐसे में न्यूज क्लिक को आपके साथ और समर्थन की बहुत जरूरत है। हमारी बेबाक एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें, हमें सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लिंक्स पर जाएं और हमें अपना समर्थन दें। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। फिलहाल मोहब्बत वाली दिवाली मुबारक, इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कि हमारे दिलों से, हमारे जहनों से नफरत का, सांप्रदायिकता का अंधेरा मिट जाए। मैंने कहा कि घर तो अपना सजा लिया है सरल, घर तो अपना सजा लिया है सरल, दिल के जालों को भी झाड़ा जाए। शुक्रिया। याद रहे पटाखे बैन हैं, इसलिए हंसी खुशी की फुलझड़ियां छोड़िए और कहो कहो के अनार जलाइए, घर आंगन में मोहब्बत की रंगोली भी मनाइए, मिठाई खाइए, औरों को भी खिलाइए। रोशनी मुबारक।